तुम गिर कैसे गई? पता नहीं रमीक, किसी ने यहाँ ऑयल गिराया हुआ था। ऑयल गिराया हुआ था? हाँ। बैठो बैठो बैठो। ये जब से प्रीतो आई है ना इस घर में, उसने बच्चों के साथ मिलकर ना मेरे नाक में दम कर दिया है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। तुम मुझसे जेलस हो रही हो? तुम्हारे में ऐसी कौन सी खूबी है जो मैं तुमसे जेलस होने लगी? छोटी सी बच्ची झाड़ू पोछा करती है? हाँ जी। किस शनाया को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, उसको पालूंगी, पोसूंगी, उसको बड़ा करूंगी और उसको वो सारी खुशियां दूंगी जो वो डिजर्व करती है। शनाया, तू मत जाना, यहीं पर ही रह ले। हम आपके बिना कैसे रहेंगे दीदी? चलो बेटा। एक सेकेंड मासी। बाय पापा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय मम्मा। लेटर। पापा, मेरे को शनाया की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे भी। अभी कुछ ही समय हुआ है उसको घर से गए हुए, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से गई हुई है। मेरे को भी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आप लोग भी ना इतनी मुश्किल से तो उस काली कलूटी से जान छूटी है और आप लोग शनाया 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 याद आ रही है। पुनी, हद है वैसे तुम्हारी। तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हें उसकी जरा सी भी याद नहीं आ रही? हाँ, याद तो आ रही है, उसके कालेपन की। चलो दो चार दिन में ये गंदी याद भी मिट जाएगी और फिर मैं आराम से खुशी खुशी रहूंगी बिना किसी काली लड़की के। मम्मा, आपको ये बोलते में बुरा भी नहीं लगता क्या? पुनीत, तुम। अरे, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? जो सच है वो सच है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पुनीत। अच्छा भाई, मुझे माफ करो, बस इतना करो कि मेरे साथ उस काली लड़की के बारे में कोई भी बात मत करो। इनफैक्ट अगर मैंने अपने घर में किसी को भी उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया ना, तो देखना। अच्छा, बात तो नहीं कर सकती पर थोड़े दिन बाद उसे मिलने तो जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शनाया बेटा, तेरे को भूख लगी होगी ना बेटा, बता खाने में तू क्या खाएगी? मासी, जो आपका मन करे। अरे बता ना बेटा, जो तू बोलेगी वही बनवा दूंगी। नूडल्स खाए? ठीक है रानी, हमारे लिए नूडल्स बना दो। Later. Several days later. पापा, सियान दीदी, मम्मा नहीं आई। शनाया, तुमको हमारे आने की खुशी नहीं हुई जो तुम मम्मा को ढूंढ रही हो? हुई ना। अरे कैसी हो प्रीतो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू, आप लोग कैसे हो? और पुनीत ने आपको आने दिया क्या? अरे सच बताऊँ तो हम पुनीत को झूठ बोल कर आए हैं। अगर उसे पता चल जाता कि हम शनाया से मिलने जा रहे हैं तो वो हमारे को बहुत गुस्सा करती। मम्मा मेरे को बिल्कुल याद नहीं करती।
अरे शनाया, तुम क्यों मम्मा की टेंशन लेते हो? तुम्हारे पास तुम्हारी मासी है, प्रीतो मासी तुम्हें कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। Later. शनाया, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है पापा, मासी मेरी स्टडीज में बहुत हेल्प करती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन तो लग गया है ना यहाँ? हाँ जी पापा, मासी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पर क्या बेटा? मम्मा। जीजू, माँ तो आखिर माँ होती है ना, मैं इसको जितना मर्जी प्यार कर लूँ पर माँ का प्यार तो आखिर माँ का ही होता है ना। शनाया ये सब छोड़, तुझे पता है तुझे कितना मिस कर रही थी, आजा कुछ खेलते हैं। चलो खेलते हैं, आ जाओ। जीजू जीजू मुझे सच में बताओ, पुनीत सच में शनाया को बिल्कुल याद नहीं करती? नहीं प्रीतो, उस पे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वो बिल्कुल शनाया को याद नहीं करती। अनान्या, सियान, चलो बेटा घर जाने का टाइम हो गया। नहीं पापा। चलो बेटा चलो, चलो चलो चलो, आ आ जाओ मेरा बच्चा, चलो बाय कर दो शनाया को। बाय बाय बाय। Weeks later. शनाया आज बिरयानी बनवा दो खाने में। शनाया क्या हो गया बेटा? मासी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी मैं कह रही थी आज खाने में बिरयानी बनवा दूं। नहीं मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? क्यों, क्या हुआ? मम्मा की याद आ रही है। मम्मा मुझसे कभी मिलने नहीं आएंगी। लगता है बाहर कोई है, मैं देखती हूँ। मम्मा मुझे पता था आपको मेरी याद आएगी और आप मेरे से मिलने जरूर आओगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। भुलक्कड़ फैमिली पार्ट 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमणीक सिंह मंत्री मंत्री पे। ये अभी तक की सबसे फनी स्टोरी है, सबसे कॉमेडी स्टोरी। ये